गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल करना पड़ेगा। जब आ चुके सिक्स स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी के साथ और आज के हमारे चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स। चलिए नोट्स कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड देयरफॉर इनवैल्यूएबल। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। थर्ड, सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर। वी ऑब्टेन सी फ्रॉम सी वाटर। वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। फॉरेस्ट आर हैबिटेट फॉर मेनी वाइल्ड एनिमल्स। द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड ऑन द अर्थ इज 29.20%। What is the use of following resources? Water. Water is used for various purposes such as drinking, cleaning, cooking, growing crops, etc. Second, forest. We depend on forest for paper, fuel, wood, medicine, fruits and resins, etc. Animals. Animals are useful for transportation, plugging and riding, etc. They also give us milk, meat, etc. Minerals. Minerals are used for making watches, jewelries, tin cans and aluminium foils, etc. Land. Land is used for agriculture / mining. Question number 3. Answer the following question in one sentence. What are natural resources? Natural material provided by nature on the earth are used by man for various purposes as known as natural resources. अभी natural resources क्या होती है? जो चीजें earth पे पाई जाती है और वो naturally पाई जाती है और वो man जिसे use करता है, वो खुद बनाता नहीं और वो use करता है नीचे से, उसे हम कहते हैं natural resources. What factors influence the information of soil? The factors that influence the information of soil are the original rock, climate, organic compound, स्लोप ऑफ लैंड एंड टाइम। अभी ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो रॉक के ऑर्गेनिक उसके फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करता है या उसे कैसा वे देता है? अभी एक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, सॉइल का आपको पता होगा बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप्स के होने के कारण, तो अलग अलग टाइप में होने के कारण, अलग अलग रीजन में होने के कारण, तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो उसमें डिफरेंस बनाती है, तो हम उनके बारे में जानेंगे। ओरिजिनल रॉक्स, जो वहाँ पे रॉक्स है उनका ओरिजिनल कहाँ से है, वहाँ उनका क्लाइमेट कैसा है, वो क्लाइमेट ह्यूमिड है, वो क्लाइमेट ठंडा है, वो क्लाइमेट हॉट है। उनका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या, उनके अंदर के कंपाउंड्स क्या, उनके इनर जो लिथोस्फीयर हम कहते हैं उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, और फिर उनका जो स्लोप ऑफ लैंड है, उनका जो स्मूथनेस है, उनकी जो हार्डनेस है, उसका टाइम के साथ कितने जल्दी वो चेंज होते हैं, ये सारी चीज़ों पर एक सॉइल कैसे इन्फ्लुएंस होती है हम ये जान सकते हैं। थर्ड, वॉट प्रोडक्शन आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। वी ऑब्टेन, अभी हम वुड फॉरेस्ट से क्या ऑब्टेन करते हैं, वी ऑब्टेन प्रोडक्ट्स लाइक वुड, हम वुड लेते हैं, रबर लेते हैं, रीसेंस लेते हैं, मेडिसिन, मेडिकल प्लांट्स एक्सेट्रा फ्रॉम द फॉरेस्ट। अभी हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 2 to 3 सेंटेंसेस। लैंड, land is an invaluable natural resources. All land, all living things are born on land. They grow and live and die on land. It is used for construction and trade. Also, most of the activities of obtaining the other natural resources are carried out by land. Fifth, define the following terms. First, minerals. Minerals are compound formed by naturally through organic processes, inorganic processes. अभी ऐसी जो चीज़ें होती है nature naturally होती है, जो inorganic processes होती है, organic processes हो जाएंगी तो soil बन जाएंगे, अभी जो inorganic processes होती है जिनके कारण कुछ चीज़ें बाहर रह जाती हैं, हम उनसे कहते हैं minerals. Soil. Soil is the uppermost layer of the earth's crust. Capable of supporting life. Soil क्या है, वो earth के crust का सबसे बड़ा uppermost layer है और वो life को support करने की हिम्मत रखता है, capable of, तो we can say that.
थर्ड हैबिटेट, हैबिटेट इज द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म. एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स आर द सॉरी एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर और द वाटर सरफेस. Answer the following questions in brief. What are the uses of mineral? Mineral are used of various purposes. They are used in many industries. They are used for making jewellery, pipes, coins, automobiles, utensils and aeroplanes etc. अभी minerals का क्या काम है और minerals के जो purposes हैं हम उनके बारे में जानेंगे. सबसे पहले minerals mainly जो उसका सबसे बड़ा use है वो industries में हुआ जाता है. फिर उसके बाद आती है ज्वेलरीज की industry. फिर उसके बाद इससे छोटी छोटी industries आ रही थी जिसमें minerals का उपयोग तो होता है, use तो किया जाता है, पर वो इम्पोर्टेंट भी है, पर वो एक स्मॉल मार्जिन पे. अगर हम मिनरल से कंपेयर करें, इंडस्ट्रीज से कंपेयर करें, जैसे कि पाइप, कॉइन, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स आपको पता होगा, पाइप्स भी आपको पता है, कॉइन्स, यूटेंसिल्स जो हमारे घर में प्लेट्स, प्लेट्स कप और फिर जो ग्लासेस होते हैं वो, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा. वॉट इज़ द नेसेसरी टू converse the natural resources? It is necessary to converse the natural resources because the information, the limited natural resources take thousands of years. The rate of formation much smaller than the rate of consumption. Thus, we should avoid wastage of natural resources. अभी अगर हम लोग को जिंदा रहना और हमें natural resources अच्छे से use करना है, जैसे कि आपको पता ही होगा natural resources बनने को बहुत ज़्यादा time लगता है और बन भी गया एक बार तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, पर बनने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. और इसी कारण कोई एक आदमी 1000 ईयर्स तक जी नहीं सकता और एक जनरेशन 1000 ईयर्स तक जी नहीं सकती. मोर देन एक जनरेशन 90 या 100 ईयर्स तक जी सकती है और फिर उसके बाद नई जनरेशन स्टार्ट होती है. तो इसके हिसाब से 1000 ईयर्स 10 जनरेशन पास होने के बाद हमें वापस एज मच मोर एज हमें क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज मिल सकते हैं. तो इसलिए नेक्स्ट जनरेशन के आने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बचा के रखने चाहिए और उन्हें ढंग से बचा के यूज़ करना चाहिए. आज के लिए बस नहीं, आई होप आपको वीडियो पसंद आओगा. अगर वीडियो पसंद आओगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट्स में जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा. प्लीज़ जल्दी से जल्दी 600 सब्सक्राइबर्स करा दो. वी आर टू क्लोज टू आवर टारगेट. तब तक के लिए गुड बाय.